गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ITMR के में। फिलहाल मैं बात करूंगा तीन ऐसे इंडिकेटर सेटअप के बारे में जो एक बेहतरीन काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसे अपने चार्ट पे आप लगा करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे लगा लेना है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, tradingview.com करके आप साइन इन करके और वहां पे जा करके ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा लेंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। आप इसे चाहें तो 15 मिनट पर भी यूज कर सकते हैं और 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो 30 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप किस टाइम फ्रेम भी यूज करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए मैं इंडिकेटर का सेटअप करता हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं इस इंडिकेटर के, इंडिकेटर पे सर्च करता हूं। यहां पे सर्च करता हूं मैं वोलेटिलिटी, VOLATILITY वोलेटिलिटी स्टॉप, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसे मैं 2 बार क्लिक करूंगा और 2 इंडिकेटर इसका मैं लगा लूंगा। इसका सेटिंग मैं भी कर लेता हूं। एक और इंडिकेटर का इसमें प्रयोग करूंगा, जो भी फेक सिग्नल मिलेगा उसके लिए मैं एक और इंडिकेटर का प्रयोग करूंगा जिसका नाम है, मैं बताऊंगा अभी। पहले चलिए सेट कर लेता हूं, उसका सेटिंग कर लेता हूं। सबसे पहले चले जाना है इनपुट में और इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है और 15 मिनट का इसका टाइम फ्रेम रखना है, ओके कर देना है। इसी का सेटिंग में जाना है और स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कर दे रहे हैं और थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे, इसे लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और लेवल को इसे मैं अनटिक करके ओके कर दूंगा। ओके, पहला इंडिकेटर का सेटअप हमारा हो गया है। टाइम फ्रेम कितना रखना है, 15 मिनट का, ओके कर देना है। फिर चले जाना है इस पर और इसके इनपुट सेक्शन में जाना है, इसके टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना है, इसका टाइम फ्रेम वही रहेगा जो है इसमें ऑलरेडी। स्टाइल में चले जाना है, इसको आप थोड़ा सा ग्रीन कर लें और इसका लाइन थोड़ा सा मोटा कर लें, इसका भी लाइन थोड़ा सा मोटा कर लें, इसे आप रेड कर लें और इसको लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब मार्केट कंसोलिडेट रहेगा तो इस दोनों लाइन के बीच में घूमता रहेगा। यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करूँगा, ये हमारा नो एंट्री जोन है, इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना है, इस रेंज में मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक, इस रेंज में मुझे कोई ट्रेड नहीं करना है। इंट्री कहाँ पे बनेगी, इंट्री इस पॉइंट पे बनेगी हमारा, इस पॉइंट पे मैं इंट्री करूँगा, ये हमारा इंट्री पॉइंट है। यहाँ से मैं अगले एक और इंडिकेटर बताऊँगा, आप लोग वीडियो को देखते रहें और बने रहें और समझते रहें कि किस तरह से मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ। ये हमारा इंट्री पॉइंट हुआ, जब दोनों एक साथ रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए तो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। ये छोटा ट्रेड है, इसे मैं अवॉइड करने के लिए एक इंडिकेटर का और प्रयोग करूंगा और उस इंडिकेटर के अनुसार भी मैं ट्रेड कर सकता हूं। ये देखिए, जब मार्केट इस जोन में चल रहा था तो मैं इसे एंट्री नहीं करूँगा, इस जोन में मैं एंट्री नहीं करूँगा, और जैसे ही ये नीचे क्रॉस किया मैं इस पॉइंट पे एंट्री करूँगा, इस पॉइंट पे एंट्री करूँगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ये एंट्री पॉइंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अपना एंट्री बनाएंगे और नीचे की तरफ चलेंगे। ये देखिए, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं एंट्री करके और आगे की तरफ चल सकते हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो इस तरह से
और एक इंडिकेटर का और भी कंफर्मेशन के लिए एक इंडिकेटर का और प्रयोग करेंगे हम, जिससे हमें फेक सिग्नल से बचेंगे। मैं फेक सिग्नल का प्रयोग, फेक सिग्नल पे एंट्री नहीं करूँगा। यह हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और ये, और जब इस जोन में मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं बनानी है। सबसे बड़ी फायदा ये कंसोलिडेट मार्केट में इस दोनों लाइन के बीच में चलती रहती है, तो हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पे हमें नो ट्रेड करना है, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं। इस पॉइंट पे हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। नो ट्रेड, ठीक है, यहाँ भी नो ट्रेड करना है, कोई ट्रेड नहीं करनी है। चलिए अगला इंडिकेटर मैं बात करता हूँ, जिसका नाम है होल साइट। यहाँ पे सर्च करेंगे HULL होल साइट। इस इंडिकेटर को देखिए आप लोग ध्यान से, इसका सेटिंग क्या करना है, सेटिंग बॉक्स में चले जाना है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप और बढ़ा लें इसको, ताकि और भी बिल्कुल ही सटीक दिखे हमें। मैं इस तरह से हमें बिल्कुल ही जब आंखों के सामने दिखेगा तो मैं एंट्री करूंगा नहीं, और एंट्री नहीं करूंगा तो हमारा लॉस नहीं होगा। ओके, इस तरह से मैं इसका थीपनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, इसकी क्लियर दिखे। ओके, इनपुट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे लिखना है 60, 55 है, इसे काट करके आप इसे लिख देंगे 60 बना देंगे, और यहाँ पे 1 लिखा है उसे आप 2 कर देंगे। ओके, अब इसे ओके कर देंगे। और भी क्लियर हाई करने के लिए देखिए, आप कहेंगे कि इस जगह पे एंट्री बन रही थी, लेकिन मैं कहूँगा कि इस जगह पे एंट्री नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी? आप लोग कहेंगे इस पॉइंट पे भी एंट्री बन रही थी, लेकिन मैं कहूँगा इस पॉइंट पे एंट्री नहीं बन रही थी, इस पॉइंट पे एंट्री बन रही थी तो हमारा प्रॉफिट ही दिया, लॉस नहीं हुआ है उस दिन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड करते हैं। और भी क्लियरिफाई करने के लिए आप इसे चले जाएं नीचे, ताकि आपको यहीं पर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एंट्री इस पॉइंट पे करनी थी, इस पॉइंट पे नो एंट्री, यहाँ पे हम कोई एंट्री अपना नहीं बनाएंगे, इस पॉइंट पे नो ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है, इस पॉइंट पे नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं बनानी है, एंट्री इस पॉइंट पे बनानी है। आप लोग ध्यान से समझिए, एंट्री इस पॉइंट पे बनानी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए। यह हमारा एंट्री पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं एंट्री बनाऊंगा। चलिए, तो आप लोग को बेहतरीन समझ में आया होगा और इस इंडिकेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं और मार्केट में इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड मिलता है, और बहुत ही, जब मार्केट ट्रेंड में रहता है तो आप इस ट्रेंड को ही पकड़ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए आप यहाँ से एक लाइन भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मार्केट का ट्रेंड, जब अपने इस जो पोल लेता है नीचे की तरफ मार्केट, इसको जब तोड़ नहीं रहा है तो इसको हम यहाँ से इस तरह से अपना एक ट्रेंड भी बना सकते हैं कि मार्केट इसी ट्रेंड में चल रहा है, और मार्केट जब इस रेंज को तोड़ करके बाहर निकलेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो मार्केट देखिए फिर यहाँ से बेरिश शुरू हो गया है, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है।
जब इस रेंज को मार्केट ने तोड़ दिया है, इस रेंज को मार्केट ने जब तोड़ा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से बाय सिग्नल मिला है, यानी कि यहाँ से ये बुलिश हो गया है फिर मार्केट। देखिए इसको आप पकड़ने की कोशिश करें तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगा और बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। इस तरह से ये हमारा ट्रेंड चल रहा था। फिर देखिए जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, फिर से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, फिर से अप ट्रेंड शुरू हो गया। देखिए ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट इसी तरह से चलता है। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड शुरू चल रहा था और फिर से यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया है। ये यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।